हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विजय आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स को और स्ट्रक्चर्स को फंक्शन में पास कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैं दो एग्जांपल लूँगा और वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप स्ट्रक्चर के मेंबर्स को और उन स्ट्रक्चर को कैसे किसी फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैंने दो एग्ज़ाम्पल लिए हैं करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाया है उसके एक मेंबर की वैल्यू किसी फंक्शन के अंदर जाके मैं उसके चेंज कर दूँगा किसी फंक्शन के अंदर इस मेंबर को भेजूँगा पहले ठीक है एज अ आर्ग्यूमेंट और वहाँ पर उसे चेंज कर दूँगा ठीक है और फिर हम चेंज होने से पहले की आउटपुट देखेंगे और चेंज होने के बाद का आउटपुट देखेंगे काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम है इसके बाद में आपको दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर को ही अपने एक फंक्शन के अंदर एज आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे पूरे स्ट्रक्चर को ही फंक्शन के अंदर एज आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे और फिर उस स्ट्रक्चर की जो वैल्यूज़ होंगी उनमें हम लोग चेंजेस कर देंगे और फिर हम इस फंक्शन से पहले और फंक्शन से बाद की वैल्यूज़ को चेक करने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है जिसमें एक इंटीजर टाइप का अकाउंट टाइप है अकाउंट नंबर है अकाउंट टाइप है नेम है बैलेंस है ठीक हो गया फिर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है कस्टमर नेम से और यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू असाइन किया है सबसे पहले वैल्यू अकाउंट नंबर फिर अकाउंट टाइप फिर नेम फिर बैलेंस ठीक है ये कैसे करते हैं मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ जब मैं स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करवा रहा था फिर ठीक है फिर मैंने यहाँ पर क्या किया है एक फंक्शन का डिक्लेरेशन किया है यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट ये लेगा किस टाइप का लेगा करेक्टर टाइप का एरे लेगा दूसरा लेगा इंटीजर टाइप तीसरा लेगा फ्लोट यहाँ पर आप इसका नेम भी डिक्लेयर कर सकते हैं इसके साथ साथ ठीक है लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं किया है ठीक है मैं ऐसे ही प्रेफर कर रहा हूँ इसको ठीक है बिना नेम के साथ सिर्फ टाइप बता के मैंने बताया था आपको फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो किस किस तरह से लिखे जा लिखे जा सकते हैं ठीक है वो वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो उसके बाद मैंने क्या किया है कस्टमर डॉट बैलेंस इससे क्या होगा जो हमारा कस्टमर है वेरिएबल उसका जो बैलेंस है उसमें वैल्यू कुछ असाइन करा रहा हूँ मैं कौन सी वैल्यू असाइन करा रहा हूँ जो ये हमारा फंक्शन है एडजस्ट नेम से ठीक है उसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो मैं यहाँ पर कस्टमर डॉट बैलेंस में सेव करा रहा हूँ फिर यहाँ पर देखिए एडजस्ट जो था उसमें क्या, क्या क्या वैल्यू पास हुई मैंने आपसे बोला था पहले तो एरे ले लेगा ले तो कस्टमर डॉट नेम हम एरे में पास कर देंगे दूसरा हमारा अकाउंट का नंबर और तीसरा अकाउंट कस्टमर का बैलेंस फिर मैं इसको सिंपल प्रिंट करवा रहा हूं कि यहां पर नया बैलेंस क्या है क्योंकि यहां पर एडजस्ट में क्या करेंगे हम इस बैलेंस को चेंज कर देंगे तो यहां पर कस्टमर का नेम के साथ कस्टमर का बैलेंस को मैं यहाँ पर दिखवा रहा हूँ फिर यहाँ पर देखिए क्या कर रहा हूँ फिर मैंने यहाँ पर जो हमारा फंक्शन बनाया है वो किस टाइप का है उसका नेम क्या है एडजस्ट और वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है फ्लोट

यहाँ पर देखिए जो मैंने कस्टमर डॉट नेम से पास किया उसको मैंने किस नेम से सेव से कराया नेम्स नाम के एरे में सेव से कराया नेम के एरे में तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा जो हमारी ये वैल्यू है ठीक है नेम्स की जो हमारा कस्टमर डॉट नेम है इसमें जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर इस नेम में कॉपी हो जाएगी ठीक है यहाँ पर कॉपी हो जाएगी तो कॉपी हो जाएगी तो जब मैंने यहाँ पर नेम्स यूज किया तो यहाँ पर ये मॉड एस की जगह पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा विजय लिखा हुआ आ जाएगा फिर मैंने यहाँ पर डॉट टू एफ यूज किया है बैलेंस के लिए ठीक है बैलेंस भी क्या होगा हमारा यहाँ पर कस्टमर डॉट बैलेंस का जो कस्टमर डॉट बैलेंस में जो बैलेंस है वो इस नेम में ठीक है बैलेंस जो नेम है इस बैलेंस नेम में कॉपी हो जाएगा ठीक है क्या होगा कॉपी हो जाएगा और फिर यहाँ पर इसको प्रिंट कर देंगे फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ न्यू बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाई टू पॉइंट फाइव यहाँ पर जो मैंने एक नया वेरिएबल लिया था न्यू बैलेंस उसमें मैं क्या कर रहा हूँ बैलेंस की से टू पॉइंट फाइव को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ फिर न्यू बैलेंस में सेव करवा रहा हूँ फिर मैं न्यू बैलेंस को रिटर्न करवा रहा हूँ जब मैं इसको रिटर्न करवाऊंगा तो कस्टमर डॉट बैलेंस पर ये वैल्यू जाके सेव हो जाएगी ठीक है कस्टमर डॉट बैलेंस पर ये न्यू बैलेंस की वैल्यू जाके सेव हो जाएगी और जो हमारा ऑरिजिनल वेरिएबल था कस्टमर उसके जो बैलेंस था वो वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी ठीक है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको तो देखिए था ओल्ड बैलेंस ऑफ विजय इस इतना दिखा रहा है ठीक है जो मैंने दिया था उसके बाद न्यू बैलेंस कितना दिखा रहा है इतना टू पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई होने के बाद तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं अपने मेम्बर्स को स्ट्रक्चर के मेम्बर्स को एक फंक्शन में किसी फंक्शन में पास कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब आप कस्टमर अपने मेंबर्स को यहाँ पर भेजेंगे फंक्शन के अंदर तो यहाँ पर जो वैल्यू मैं भेज रहा हूँ ठीक है वो सिर्फ वैल्यू जा रही है ठीक है वैल्यू जा रही है ठीक है इसका मतलब जो वेरिएबल होंगे कस्टम आपके फंक्शन के अंदर वो कॉपी करेंगे सिर्फ उसको ठीक है अब हम जानेंगे देखिए कि कैसे आप किसी भी फंक्शन के अंदर एक स्ट्रक्चर को पास कर सकते हैं इसको मैं यहाँ पर से यहाँ पर जो एग्जांपल है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं किसी एक फंक्शन के अंदर अपने स्ट्रक्चर को ही पूरे स्ट्रक्चर को ही भेज रहे हैं और उसके उसको चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर टाइप डेफ का यूज़ किया है मैं पहले ही बता चुका हूँ टाइप डेफ क्यों यूज़ किया जाता है ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसमें अकाउंट नंबर अकाउंट टाइप एक पॉइंटर है नेम से करेक्टर टाइप का और एक बैलेंस मैंने यहाँ पर लिया है ठीक है इसका न्यू टाइप क्या है रिकॉर्ड है और फिर मैं यहाँ पर अपना मेन चला रहा हूँ मेन के अंदर मैंने सबसे पहले क्या किया है फंक्शन को डिक्लेरेशन किया है और किस टाइप का आर्ग्यूमेंट ले रहा है ये रिकॉर्ड टाइप का पॉइंटर है और रिकॉर्ड एक्चुअल में क्या है एक स्ट्रक्चर है फिर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने किस तरह से डिक्लेयर किया स्टैटिक रिकॉर्ड ठीक है रिकॉर्ड टाइप का है हमारा कस्टमर ठीक है और उसमें वैल्यूज मैंने वन टू थ्री पी विजय और जो ऊपर दी थी वैल्यू वही दी है ये इसका बैलेंस है ये इसका नेम हो गया ये इसका अकाउंट टाइप हो गया ये अकाउंट नंबर हो गया फिर मैंने इन सब चीज़ों को प्रिंट करवाया है कस्टमर डॉट नेम से कस्टमर डॉट अकाउंट नंबर कस्टमर डॉट अकाउंट टाइप और कस्टमर डॉट बैलेंस से फिर मैंने यहाँ पर देखिए फंक्शन के अंदर क्या किया है? जो हमारा फंक्शन है एडजस्ट नेम से उसके में आर्ग्यूमेंट में जब मैंने पास किया है तो मैंने यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस पास किया है ठीक है तो यहाँ पर देखिए फंक्शन में जब हम वेरिएबल को पास करते हैं ठीक है तो यहाँ पर दो तरीके से करते हैं कॉल बाई वैल्यू से कॉल बाई रेफरेंस से तो यहाँ पर देखिए मैं पॉइंटर के यूज़ करके स्ट्रक्चर को किसी फंक्शन के अंदर पास करा सकता हूँ एज अ आर्ग्यूमेंट ठीक है लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा जब आप उसे कॉल कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको उसको एड्रेस पास करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंटर एक्चुअल में करता है क्या है एड्रेस को ही स्टोर करता है तो यहाँ पर हम लोग एड्रेस को पास करेंगे इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एडजस्ट एन परसेंट कस्टमर ठीक है फिर उसके बाद देखिए हमने क्या किया है यहाँ पर जैसे ही ये कॉल होगा जैसे ये यहाँ पर कंपाइलर में या लाइन आएगी तो ये हमारे फंक्शन जो है वहाँ पर चले जाएगा तो वहाँ पर देखिए मैं क्या करा रहा हूँ पी टी एरो नेम देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पी क्या है पी एक पॉइंटर है और ये पॉइंटर जो है वो किसको किसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है पीटी किसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है कस्टमर की वैल्यू स्टोर कर रहा है तो यहां पर मैंने आपको बताया था पीटी किससे रिप्लेस हो जाएगा पीटी एरो आपका कस्टमर डॉट से रिप्लेस हो जाता है ठीक है इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा वहां पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे लिए हैं कि आपका जो पीटी एरो होता है वो किससे रिप्लेस होता है कस्टमर डॉट से ठीक है ये आम भाषा में समझाने के लिए कस्टमर डॉट नेम अब कस्टमर डॉट नेम में चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पर अजय तो यहाँ पर जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है ठीक है नेम की वो चेंज हो जा रही है इससे ठीक है क्योंकि यहाँ पर हमने एड्रेस पास किया है

प्रिंट करवा रहा हूँ अकाउंट नेम अकाउंट नंबर अकाउंट टाइप और अकाउंट का बैलेंस ठीक है यहां पर इसको मैं डिलीट मारता हूं इसको मैं यहां पर रन करूंगा तो आप देखेंगे कि फंक्शन में जाने से पहले ये वैल्यू थी विजय वन टू थ्री पी वाली और उसके बाद ये वैल्यू आ गई है ठीक है ये किस तरह से हुआ है जब हमने स्ट्रक्चर को पास किया था फंक्शन में पॉइंटर की मदद से तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स आप समझ गए होंगे कि कैसे आप किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को पास करा सकते हैं क्या किसी भी स्ट्रक्चर को पास करा सकते हैं देखिए इसका एक और तरीका है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका है उसको यूज़ नहीं किया जाता है कि आप क्या करें कि यहाँ पर जो आपका फंक्शन है उसके अंदर पूरे स्ट्रक्चर को ही पास कर दें ठीक है अगर पूरे स्ट्रक्चर को आप पास कर देंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी कॉपी करना पड़ेगा हर एक मेंबर्स को कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पर तो हमारे केस में चार ही मेंबर हैं हो सकता है मल्टीपल थाउजेंड्स मेंबर्स हों ठीक है बड़े प्रोजेक्ट में काफ़ी टीडियस वर्क बन जाता है ये तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं पर पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं पॉइंटर का यूज़ करके हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करते हैं पूरे स्ट्रक्चर को पास कर लेते हैं और पॉइंटर क्या स्टोर करके रखेगा पॉइंटर जो हमारा वेरिएबल है जो हमारा स्ट्रक्चर है ठीक है उसका एड्रेस स्टोर करके अपने पास रख लेगा नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर को ठीक है आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग गुड बाय टेक केयर